लुधियाना के रोज गार्डन के नजदीक स्थित गुजरांवाला गुरु नानक पब्लिक स्कूल में वार्षिक एथलेटिक मीट समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी विशेष तौर पर पहुंचकर समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान किरण बेदी ने स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए समाज के लिए अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा कर भविष्य में अपना व स्कूल का नाम रोशन करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। इस मौके पर किरण बेदी ने अपनी नई किताब के बारे में भी बताया और जब उनसे राजनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में उनकी कोई भी रुचि नहीं है, बल्कि शिक्षा स्तर को देश में बढ़ावा देना, शिक्षा के लिए सेवा करना उनका मुख्य मंतव्य है। जो भी स्टूडेंट्स मुझे हमेशा पूछते थे, मैडम आप कौन से स्कूल में पढ़े, कैसे पढ़ते थे, आप पढ़ाई में भी सबसे अच्छे थे और खेलने में भी नेशनल चैंपियन थे, एशियन चैंपियन, और आप 21 साल की उम्र में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में ऑफिसर बन गए, आईपीएस बन गए, कैसे बन गए आप कि खाने पहनने की, खाने की, मेहनत करने की आदत क्या थी, आप इतने मेहनती कैसे बने, आप लड़की थे उन दिनों में, आपके मम्मी डैडी ये नहीं बोला लड़का होना चाहिए था, आप पहले से बनना चाहते थे कुछ, तो ये सारी बातों का जवाब है। ये पेरेंट्स के लिए भी है कि अपने माँ बच्चों के लिए कैसे मेहनत करनी है, क्योंकि मेरे पर मेहनत टीचर्स के लिए भी है, समाज के लिए भी है, और खुद अपने स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो ये किताब और ये मेरी पुलिस ट्रेनिंग तक जा रही है, पुलिस ट्रेनिंग मैंने कैसे की, सारे लड़के थे वहाँ, मैं एक ही लड़की थी, बराबर में एक को इक्वल ट्रेनिंग मैंने कैसे की और किसी से हार नहीं मानी, और फिर उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस की परेड कैसे लीड की। राजनीति के बीच मेरे और राजनीति मेरी कोई रुचि भी नहीं है, मेरी शिक्षा च रुचि है, मेरी पब्लिक सर्विस रुचि है, मेरी राजनीति रुचि है ही नहीं। तो दिल्ली में आप करेंगे रोल? मैं रुचि है ही नहीं मेरी पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल्स मेरी रुचि है ही नहीं।